ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹੋਂ ਕਿਥੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਾਓ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੁਜਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਾਦ ਲਿਖੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚਾਰ ਸ਼ਾਜਾਨ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਇੱਕ ਇੰਦ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾ ਖੜਕ ਦਾ ਪੌਂਦੇ ਰਾਂਦਾ ਥੋੜੇ ਬਰਤਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਂਡੇ ਢੇਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਲਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਈ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਲਾੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਸਰ ਜੀ पूरे पाकिस्तान मशहूर है और असा बचपन तो गिन के अज जवान थी गए बल्कि बुढ़े थी वाले हूं तो शादीशुदा थी गए हर साल असा मेला देखने में अज भी मेरा इरादा ही देखने दा और सारे इलाके चो ना तकरीबन कोई हर साल ना पूरा इलाके दे जितने भी छूहर मर्द होंगे ना वो वेंदन मेला देखने इतना मजेदार मेला होंगे व्यूअर मेले दे सब तो मजेदार चीज होंगी है थिएटर मतलब उत्थे जो बड़े बड़े फनकार आंदे क्रम निजामी फैजो कुकड़बाज नंबरदार या इस टाइप दे बै भी बड़े बड़े फनकार होने जेड़े उत्थे वीआईपी प्रोग्राम करें ड्रामा करें लोग को एंजॉय करें इलाके चो सारे वेंदे पैन थिएटर देखने फैजो कुकड़बाज को देखने लोग और फैजो कुकड़बाज दी मैं को कॉल आई मैं शहजाद असा तेरे डेरे ते आंदे मैं सही सज्जन अमन अखी ठरन उन माशाल्लाह इथे आसन गपशप लेसु उन दा इंटरव्यू करेसु अज उन कने चटपटे गाली पुछसु उन दी खिदमत करेसु थाको भी दिखेसु लोग उन को देखण ओ नौशत लई मेरे पेन फैजू साहब सारे डेरे ते आंदे पेन जी आ फैजू उस्ताद तेरे मैं विब्रो ओ मेरी गल सुन मैं विब्रो फैजू दा सुन के बे वेले मुंडे को आंदा पे मैं लईए छु हुन मोटरसाइकिल दतो स्पेशल फैजू जी आ एक नहीं वेंदा पिया ए आज शाम किने सारे दा प्रोग्राम है कैरी दा बकरई खणे ने सारे उथा ड्रामा देखण वेंदे पेन फैजू दा हां ते फैजू इथा दा पे वाले सारे इथा आ गए बस ऐसे समझ थई मेला इस टाइम वेले मुंडे को मेला हां मैं सा मेला लगा पे मैं समझो क्यों करिजान पट्टी सारी नाल है ते वीडियो स्टार्ट करने तो पहले सारे चैनल को मारो सब्सक्राइब तो लशो कने आज मजेदार वीडियो जल्दी जल्दी जड़े ना मैं इंटरव्यू देना सवाल तैयार कर गिना भाई उन्ना कणो ना असा इंटरव्यू दे केड़े केड़े सवाल पूछूं काले करतो ताली कापी चाती बैठा और थक पता जड़े फनकार को सवाल करना होंदे ते इस कापी दे च असा सवाल लिख दे उने तो बाद उने को इंटरव्यू गिंदे चटपट सवाल उने को लिख गिंदे पहला सवाल है एक मेरा लिख लिख चा हां क्या पहला सवाल है कि चाचा फैजू की ने पूछना तेरी शादियां कितनी थी ओके एक मिनट लिखण दे फैजू कुकड़ बाज उंदा सवाल हसन पे नंबर 1 फैजू उस्ताद आप की मेरी लिखाई दे उते फोकस ना करे मैं जड़ा जल्दी च लिखदा बैठा इस वजह तो मेरी लिखाई थोड़ी खराब है शादियां चोखियां थई है कितनी है लूजा सवाल ये है सोशल मीडिया ते तुसा अपने बेटे को अनैसो या कहना सो रसाले सवाल लिखदे बैठा था उस्ताद इदु आ गए उस्ताद जी तेरी जिंदगी दी खैर मैं हाले सवाल लिखदा बैठा मैं के उस्ताद को तैयारी शायरी करो उस्ताद ठा लगे जी शुरली आंदी है घर पहुंच दी मैं पहुंच गया ओए उस्ताद जी सही पप्पू ताए वदे मैं या तू मैं ना तो शादी लग गई है शादी फब गई है उस्ताद तो चार चार शादी बिस्मिल्लाह है किना चार चार शादी बिस्मिल्लाह शादी तंदुरुस्त कर गया सा कोई शादी उजाड़ गई नहीं मैं को लोग आ तो कमजोर थी ये सारे शादियां शादियां हाय 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 ये दसो अंदरो बाऊ या बाहरो बाऊ किथू तो बिलाओ नहीं मतलब पाला लगदा वदा ता अंदर जुल दे नहीं नहीं ठीक चलो बाहर ला ला सा बाहरो बने वाल आओ सा जी बिस्मिल्लाह लोग तो खड़े ना व्लॉग तो ना ले ना सादा ओ ता लाथे ओ तशरीफ रखो इथा बाहर पहले मने शादी ते नहीं छोड़या अपना मैं शादी वाली दी बाहर ही व्लॉग बनाए चलो उठो वली में तो सा घर वले मैं कैमरा बंद अगर कैमरा नहीं चलाया जिला तू सोने ते व्लॉग बनाने दी लोड़ी कोनी भी आखरियत है मिजाज से ठीक है चलो माशाल्लाह मैं फिलहाल कैमरा बंद करे ना व्यूअर सलाम दुआ करके उसके बाद मजीद हाल हल करे व्यूअर तकरीबन आधा घंटा बैठे हैं उस्ताद को लगदी है सर्दी मैं के जुलो अंदर चल के उस्ताद को सर्दी लगदी है एक में सर्दी और आखरा तो उस्ताद आए ना व्यूअर जी हां लग लग ये मेरा कुछ उस्ताद होनी सारे कट्ठे बैठे थे बाहर लगती बैठी सर्दी मैं को उस्ताद गुना उस्ताद वैसे घरा में उस्ताद को सर्दी लगती बैठी आप कम दे बैठा नहीं ना मेरे ते लाती बैठे शादी नवी नवी की सर्दी शुरू थी गई है ना ना काका
थकावट होंगी घर आवे वातू हो कम दिमाग शादी तो बाद चेंज फील मैं सारी बार थका त्रुटा कम करके आवा घर आके अपनी वाइफ नाल मतलब गपशप नाल शेयर करे ना मेरी आदत है मैं जिथे भी काम करा ना मतलब कोई काम दिवार मेरी की में गुजरी थोड़ी देर बाद जो है ना देखो अब्बा बन सी जिम्मेदारी वधिया वल देखो पिछली जिंदगी याद है सभी मैं कुवारा ठीक हां लेकिन फिलहाल मेरी आदत है कि मैं सारी दीवार दी एक्टिविटी शाम को अपने रानल शेयर करे ना और गपशप लेना तो मैं खुश थी वरना मेरे को लगता है शादी तो बाद वाली जिंदगी सुकून वाली जिंदगी और मैं तो कोई मशवरा देना कि बाहर दे हाल हाल जड़े ना अपनी घर वाली ना लेते कर सिर्फ प्यार मोहब्बत तक करा को बाहर दे हाल ना देवा ओके व्यूअर चार रनल दा मशवरा है मैं तो आता उस्ताद जी मेरे को रात गुजारो कल लगे वजाए तुम अपने घर माशाल्लाह अबू जान हुने भी बाहु उस्ताद वन लगे तब सेकंड सवाल यह पिया कि माशाल्लाह हुन थोड़े चार बीवियां हैं पिया ये दसो टोटल बाल कितने हैं पे 12 सोशल मीडिया या अपनी फील्ड लिखो नहीं घिन क्या कहीं को ना ना एक आया ही निक्का करता वड्डा करता फिल्म बड़ी आसमान दे विच अच्छा माशाल्लाह के भूमि को मतलब ये फील्ड तो ज्यादा पसंद नहीं विकना तो नहीं सोशल मीडिया ਕਿ ਕਿਨੇ ਵੇਖਣ ਕੇ ਵੀ ਆ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਉਸ ਰਗੇ ਥਾਏ ਅਲਵਾਮਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਕੂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਤਲਈ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਿਰਾਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਕੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੇਲਾ ਫਿਰਨ ਵੰਦਾ ਸਰ ਮੇਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਕੂ ਦੇਖਣ ਹੁੰਦੇ ਆਵੇ ਇਤਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਵੇ ਤੁਹਾਕੂ ਕਿਤਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
तनकीद करने अपने आप को सुधार रस्ते करो बदल सकते मतलब जी सारी गलती हो सी तनकीद एक ऐसी चीज है पे इंसान खुद को सुधारण की कोशिश जी जी असल उस्ताद वो तनकीद वाले होंगे जी मैं एक बार पूछा तेरा उस्ताद क्यों है मेरा उस्ताद जमाना है पे खुदा दी जो जमाना सिखा ना भी वर ओ कोई नहीं सिखा हट मरेंदा ना जमाना में हाँ ले अच्छा उस तो बाद एक बिया सवाल थर को पूछना चाहता तू ये मेरा सवाल तकरीबन में जेडे भी बड़े फनकार दा इंटरव्यू गिंदा ना उन को लाजमी सवाल पूछदा मेरा ये सवाल थारे को भी है पिया ए तुसा एक दरिया च वेंदे पवे कश्ती दूते सवार ही वे ठीक है कश्ती दे चार बंदे सवार ही वे ते कश्ती दा वजन उंदे ते ठीक है ढेर तुसा एक बंदे को धिक्का दे उने वजन ढेर होण दी वजह तू केड़े बंदे को धिक्का देसो इने चो एक बंदा थारे नाल है पिया अकरम निजामी साहब दूजा बंदा थारे नाल है पिया नंबरदार साहब त्रीजा बंदा थारे नाल है पिया एयरपोर्ट और चौथे तो सांप ही आपको धक्का देनी है संग दे उन त्रियां जो है को धक्का देवने और कश्ती दा वजन हौला करने वल कश्ती टूटसी ना तो सारी कश्ती डूबती वल कै को तुसा कड़े सो वल चराई वे सुन गया क्या एक को ना ना एक को धक्का देवड़े सियासी बयान ना देवड़े सियासी बयान को नहीं माशा कहीं दिल शिकली नहीं करनी चाहिए थी ओ तो गल ठीक है लेकिन मेरे कान ने दस दियो कै को धक्का दे सो मैं वीर को ना दसे सो नहीं नहीं वजन ही कितना हो जाए नंबरदार लग कितना वजन है 7 किलो है आप हाँ वे दो को देखने में मेरे ख्याल फर्क बहुत सी कोई ना कश्ती दे नहीं नहीं कोई ना बहुत से अच्छा चलो अल्लाह पाक सारे फनकार रहने ना सारे वास्ते बैस जाते ना साइक शुगर लेने बैठे हैं मजाक करने बैठे हैं मतलब दिल तक गेम ना चलो बाकी सवाल थे इधर आसन चल तेरा व्लॉग बन गया हाँ सारा व्लॉग बन अस आज वैसे भी ना मेरा व्लॉग पूरा ना थी ना पिया कुदरती जो तुसा के आसान है बस असा खुश थी सारा व्लॉग बन गया खाने का उस्ताद को पूछा से खाने का सख्ती नाल मना किया ने वल ये भी असा जो ना चाय बिस्कुट छोटा मोटा हल्का फुल्का एक सवाल भी है चाह पींदे पींदे तुसा ने तो माशाल्लाह चार शायद आने पिया तो तुसा क्या लोगों को इस चीज की राय देसो भाई शादी दूजी करो तीजी शादी चौथी शादी करो या हिका शादी दरे है भाई शादी एक शादी गाल माजरा तो मैं कोई फाई पुकी है जा जेडी असल गाल पूछता बैठे भी मैं दूजी शादी करा ना करा ओ को दसाओ नहीं नहीं अगर घर वाले खल्ले बर्दाश्त करे तो काल की ना 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 मैं को दसा जी पहले अपनी बांधी है नहीं हाली नवी नवी है बांधी है मतलब बाद में मैं सोचा है जी सर जी ना ना बाद अब मेरी वाइफ वीडियो दे दी पे ऐसी कोई गाल कर लदी कसम मेरी पहले कसम कसम जा गया सर जी मैं तो तेरे रन मुरीद वाल मैं नहीं डिटा एक सवाल भी रात को जिवें के मेरी आदत है मैं जले समदाना मोबाइल चार्जिंग ते लेना और चुप करके सामना या कुछ ख्याल कहीं दे बारे सोचेंदा रहना और तुसा जले समदे वे सब तो समण तो पहले मतलब आखरी काम केड़ा करें दे वे मतलब कहीं दे बारे सोचेंदे रहंदे वे भी हां यार फलाना बंदा नहीं मैं मोबाइल ऑफ किया ठीक है अल्लाह दा नाम किया ठीक है कलमा पढ़ा दे सो गया वाल तो तेरी आदत बहुत अच्छी है भाई माशाल्लाह अच्छा एक सवाल थर को ए पूछसा बे जेले तुसा मिसाल तोरे हर बंदे नाल जिंदगी च ऑक सॉक थी संगदे किथे को मसला बणवे ते अल्लाह ना करे कुदाई थारे नाल को मसला बणवे ते कोई परेशानी बणवे दी थारी तबीयत खराब थी वेंदी या किथे एक्सीडेंट अल्लाह ना करे एक जिंदगी च ऑक सॉक हर बंदे ते आ वेंदी तुसा सब तो पहले के को याद करें दे जेले को मसला बणवे कोई ऐसा दोस्त दोस्त है मेरा केड़ा काका सात का बाद अच्छा ओ को तो मतलब नहीं को मसला बनता ओ पहले कॉल करन देवे चलो माशाल्लाह माशाल्लाह ये सवाल तारे को मैं पर्सनली पूछा अपने तरीफ वाला कि तुसा पहले नंबर दे ता मेरे वीडियो कने दे देवे जले वेल होगो हां देख दरा ना वीडियो दे रिया पहले दसो मेरे वीडियो च क्या चीज सब ज्यादा पसंद है भाई साफ सुथरा काम है वाह याति को नी कोई डायलॉग बाजी दी कोई बंदा दिया बहन मेरे ना लेके साफ सुथरा देख समझे आराम ना अच्छा कंडक्टर भी दी बैठ के ना कोनी व्लॉग वाला ना व्लॉग व्लॉग में कोई शे आ ही नहीं सकती फैमिली व्लॉग होता है मतलब अच्छा चीज आप ने लोग दिया बहनी मां पियो बीच बैठा हो तो देख सकन कोई शर्मिंदगी ना थी वैसा व्लॉग होता इस पे ये चीज पसंद है जी हां पसंद है सब कुछ खूबसूरत ही आए अच्छा पसंद है आए वो भी देख दिया सब को मैं को दे दे जी अच्छा चल चार शायद थाने वाला तो समय को दे दे काश तू लड़की होती पांचवी शादी तेरे नाल करवा
उस्ताद दे जड़े गालियां ता है ना व्यूअर फुल खतरे आला मैं को डर पिया बैठा है शुक्र है मैं लड़की का है नहीं उस्ताद जी तुसा आप ही बहुत बड़े फनकार ही है ठीक है माशाल्लाह थोड़ा पूरे पाकिस्तान है बल्कि पाकिस्तान तो बाहर भी थोड़ा नाम है पे माशाल्लाह तुसा अगर पर्सनली तौर ते कहीं फनकार को पसंद करें दे तो केड़ा है पिया फनकार देर है कोई एक जड़ा थाको ज्यादा पसंद है ذاتی तौर ते थाको तबीयत नेचर उनी फनकारी पसंद होवे दो फनकार एक अमानत चंद साहब अमानत चंद पंजाबी फनकार जी जी इफ्तिखार ठाकुर साहब इफ्तिखार ठाकुर साहब कैसर ओके वैसे ये मेरे भी फेवरेट है ना सिर्फ चनेटी भी मैं बड़ा पसंद करे ना वो जान आ गए ते मुलाकात लिखी भी उस्ताद साडे मिलदे तन ठीक हो अल्लाह दी ते जैसे ठीक है शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह तुसा सुनाओ रब दी रहमत सारी खैर सुना बच्चे घर मार सब ठीक अब होनी गए आड़त ते आड़त तो वापस आंदे पण मैं चाय पीती है से बिस्किट खा दिन से रोटी दा कैसे रोटी दा वला वला कैसे रोटी ही मन नहीं खमदे कहीं टाइम सारा शो दा टाइम होंदे ना जी ते जरा रोटी खा गिनो वला आमद नहीं थीदी सागो अच्छा शहजादे को घंटा दो गुजारो खाने का मैं वला वला इन्हें कोई लेकिन इन्हें कह सको शाम को जल्द शो होंगे तो रोटी खा के गए तो अलू थाना थिएटर के सारे प्रोग्राम ना चलो मैं वाल भी हल्का फुल्का अंडे चाय वगैरह हर बंदे रोजी का कारोबार प्रोटोकॉल लेकिन फ्री फ्री 200 रुपए तो मेरे को लगे ना गाल है कि उन्होंने कारोबार है मुनासिब नहीं लगता मैंने को खास फ्री करो 5-7 बंदे ताजे मिले करन साको टिकट दे छोड़े उन्होंने टिकट दे छोड़े सब को मसला कर लेकिन मैं गाल मुनासिब नहीं लगदी ना टिकटा जे रहना सब काट दो तो ना मैं दी आदत है मैं कर यारी दे कर कहीं ना कारोबार खराब नहीं करंदा पता उन्होंने कारोबार उस्ताद फैज दा रोजे सिस्टम उन्होंने को 7-8 बंदे उस्ताद टिकट दे दी भाई तुसा टिकट दे दी टिकट जो बरल ओसा तुसा सा कुछ टिकट काट दो बरल हां टिकट मैं काट देना मैं एक गाल मैं तो अपना नाम लिख के पर्चे दे छोटे छोटे साक बना दे चलो कोई मसला तू सोवे लगे ना यार थोके उस्ताद ने डिठा ना थारी रिस्पेक्ट करे से होता ई दा फोटो छिकवाई हां ई दा मैं करना तू बल्ला बाले मैं के उस्ताद जी मैं फैज साहब का के मैं फैज साहब को मैं के उस्ताद जी दा रंग काला इंदा क्या मसला है मैं के कूड़ा कसम खांदा मैं ओ चुप करके मेहमान बैठे दे ते ई जितने में जवाब बांधे हां अच्छा जवाब मैं के बड़ा बंदा अच्छा नहीं लगदा बट नहीं ओ बाटला बंदा शुगल मेला वाला बंदा फैज सारी मोहब्बत मैं फैज कुकड़बाज को आके मैं कहंदी शक्ल ही मैंने जी मैं कुन्नी पुठी थई पियो वे उहा कने नहीं ये कूड़ा कसम खांदा नहीं वो आके अब्बू को लगाओ दे पाला वैसे सा कोई सा दिल लगी खड़ी है अल्पा लिखणे भात इथे गपशप पे लेसो और भाई से कैसे खड़े उस्ताद फैज अल गप ला के वैसे मैं तो बड़ी चस है चंगा बंदा है ये मिलावणे ये सारी गाल देखे मेरे तो मैंने चलो खर्चा दे दे मार भाई काला नहीं पी क्या है तेरी काला ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਕੋਲ ਸੁੱਤੀ ਆਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲੋ ਬਾਲਿਆ ਮਲਾ ਹਾਏ 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 ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚਸ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਆ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨਾ ਫੈਜ਼ੂ ਕੁਕੜਵਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਤਰਾ ਦਫਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਲੇਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਫੈਜ਼ੂ ਕੁਕੜਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵਤ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦਾ ਪਰ ਅੱਬੂ ਜਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆੜਤ ਲਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿ ਆਨੇ ਪਿਆ ਬਸ ਇਡੂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਉਡੂ ਫੈਜ਼ੂ ਕੁਕੜਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੜੇ ਕਿ ਨਾ ਦੋ ਲੈਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਆ ਗਏ मतलब कि सख्ती होंगी ना उतना मतलब प्रोग्राम नहीं करने चौक मुंडिया
ਵੀਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਘਰ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋਟਲਿੰਗ ਕਰਨ ਸਿੱਜੀ ਖਾਉਣ ਯਕੀਨਨ ਸਿੱਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਆਈਟਮ ਹੈ ਭਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਿੱਜੀ ਖਾਣ ਸਾਰੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੇ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਚਲੋ ਮੈਰੀ ਜੀ ਸਿੱਜੀ ਖਿਲਾਉਂਗਾ ਅੱਜ ਆਪਕੋ ਵੀਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਔਰ ਬਸ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਥੈਂ ਕਹਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਿਮਾਗ ਪਰਤੇ ਦੀ ਕਮਲੀ ਬਲਾ सामने काफी ज्यादा धुंध भी है भाई बाज जगह ते ज्यादा धुंध हुंदी है और बाज जगह ते थोड़ी थोड़ी तो लहरा ने पिया दुआ करे खैर खैरियत नाल पहुंच वजो कुरे पहुंच चुके हैं होटल दे विच फिर घूम घुमा के पहुंचे हैं माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कैबिन है पिया चेक करो ई छोटे जे कैबिन दे विच सारी फैमिली बैठे थी और असा बैठे थे इथई आवे से सिज्जी माशाल्लाह व्यूअर भी आए भाई सिज्जी आ चुकी है ताजा धू निकलदा पर लेवल दी है खाने तो वो सब बिस्मिल्लाह इकट्ठे खाने चमचे नाल कोना खांदा हाथ नाल खासा बिस्मिल्लाह करके फुल धुआं निकलता वे थोड़ी जी बोटी एक बदाम थोड़ा जी सलाद और प्याज सलाद और थोड़ी जी चावल पहला लुकमा खाते तो सब बिस्मिल्लाह मेहरबान ओके सिज्जी और मजेदार नहीं सिज्जी खा गई सिज्जी खाने के बाद गर्मा गर्म चाय बदाम वाली ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਚਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਦਾ ਵੀਵਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ 7320 ਰੁਪਏ ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦੇ ਹੈ ਭਈ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਬਚ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਈ ਥੈਂਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੇ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਔਰ ਖੈਰ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਸੀ ਕੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਥੈਂਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਮੇ ਤੋ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।